वो जो मशहूर मस्करा होगा आंख से कंठ तक भरा होगा। लिखने वाले मशहूर हास्य कवि प्रदीप चौबे अब नहीं रहे। वे 70 साल के थे। ग्वालियर में गुरुवार देर रात कार्डियक अरेस्ट होने पर उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। कविताओं में हंसी के साथ व्यंग्य का पुट देने में माहिर थे चौबे। बीते कुछ दिनों से छोटे बेटे की हुई अचानक मौत के सदमे में थे। बावजूद इसके होली पर वे कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो पर अंजुम रहबर और अरुण जैमिनी के साथ दिखे। ये मेरे मामा श्री थे और हृदय गति की रुकने की वजह से कल रात्रि उनका देहांत हुआ। उनके एक का साल पहले दो किताबें मतलब ये हल्के फुल्के गए और आलपीन के नाम से दो किताबें उन्होंने मतलब प्रकाशित करवाई थी, जिनका आवरण एक साल पहले हुआ था झांसी रोड पर ITM कॉलेज में। तो उसमें कुछ हल्की फुल्की मतलब आलपीन चुभने नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसका चुभने वाला होता है, तो उसकी पंक्तियां जो हैं वो ऐसी महसूस होंगी कि जैसे आलपीन है, और हल्के फुल्के ऐसा है कि जैसे फुल्की रोटियां होती हैं। तो चार चार लाइन की ये कविता है। उसका एक कविता मैं आपको बताता हूँ। जीजा ने असाली ने कहा, जीजा जी मैं पास हो गई हूँ, मिठाई खिलाओ। जीजा जी बोले जरूर खिलाऊंगा, थोड़ा और पास आओ, पास हो जाओ। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि आपको समझना है कि मैं कैसे कविता को कहता हूँ। बस ये इन कविताएं, इसमें चार चार लाइन की हल्की फुल्की कविताएं इसमें छपी हुई है। रेल यात्रा लिखी है उन्होंने। ये सब मतलब जिंदगी के जो कड़वे सच हैं उनके ऊपर उन्होंने हास्य कविताएं लिखी है। और क्या क्षति हुई है ग्वालियर की? उनके निधन का समाचार सुनते ही मैं तो हतप्रभ रह गया। विशेष रूप से मुझ पर उनका विशेष स्नेह था। ग्वालियर ने एक सपूत खो दिया जिसने सारी दुनिया में ग्वालियर का नाम रोशन किया। उनकी निकटता हम लोगों से बहुत हुआ करती थी। ग्वालियर में जो प्रतिवर्ष श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस के अवसर पर जो कवि सम्मेलन हम लोग करते हैं उसके उसकी कल्पना और मुख्य रूप से उसके सूत्रधार वही थे। अपना गम छिपा करके भी व्यक्ति किस तरह हंस सकता है, लोगों को हंसा सकता है, इसका सबसे साक्षात उदाहरण माननीय श्री प्रदीप जी थे। मुझे गत वर्ष की घटना याद है कि अटल जी के उस कवि सम्मेलन के एक दिन पूर्व उनके बेटे का निधन हुआ। मैं बड़े संकोच में था कि कैसे उनसे कहूँ कि हम अब वो कार्यक्रम निरस्त करने जा रहे हैं। जब मैंने उनसे फ़ोन पर बात की तो सबसे पहले उन्होंने मुझे कहा कि विवेक जी कार्यक्रम निरस्त नहीं होगा, शो मस्ट गो ऑन, और आप कोई चिंता मत कीजिए, मैंने सारी व्यवस्था कर दी है और कार्यक्रम बहुत भव्य होगा। एक ऐसा व्यक्ति, एक बहुत ही बड़े दिल का इंसान ही ऐसी भावना व्यक्त कर सकता है, खासकर ऐसे मौके पर जबकि उसके बेटे की मृत्यु एक दिन पहले ही हुई। मैं उनके स्मृति को प्रणाम करता हूँ, मैं उनके बड़प्पन को प्रणाम करता हूँ, एक महान कलाकार को मैं प्रणाम करता हूँ, और अपनी ओर से ग्वालियर महानगर की ओर से मेरी उनको विनम्र श्रद्धांजलि। प्रभु उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, और उनके सभी परिवार वालों को, ये सारा उनका बड़ा परिवार जिसमें हम सब ग्वालियर के ही नहीं सारे विश्व के लोग शामिल हैं, को शांति और प्रदान करने का कृपा प्रभु करे। देखो जब तक यादें स्वभाव व्यक्तित्व वो तो मैं ये कहूँगा वो था नहीं, वो है, वो तो हमेशा रहेगा। उन्होंने देह को त्यागा है, अपनी बाकी प्रतिभा को यहाँ हमारे बीच में छोड़ के गए हैं वो, और वो हमेशा इस बात में अमर रहेंगे और हम सबके दिलों में हमेशा जाने जाते रहेंगे। जहाँ तक उनके स्वभाव का मैं कहूँ, एक स्पष्टवादी, कभी किसी भी क्षेत्र में कंप्रोमाइज न करते हुए सत्य को जिस प्रकार की आज लोग जिस ट्रांसपेरेंसी की कल्पना करते हैं वो उनके जीवन में चरित्र में शुरू से थी और वो उसी को लाइक करते थे। उनका साहित्य सृजन अध्ययन इतना गूढ़ था, उसको वो करते रहते थे, और तब तक किसी साहित्यकार के अगर वो रचना साहित्य को वो नहीं मानते थे तो उनका अपना मत स्पष्ट व्यक्त करते थे, कभी भी उसमें लाग लपेट नहीं करते थे। ऐसे हमारे बीच में साहित्यकार थे, विश्लेषक थे, हास्य थे, हास्य कवि के रूप में हम सब जानते हैं इस देश का, इस पूरे देश के विश्व के अंदर भी इस ग्वालियर का नाम गौरव करने वाले वो व्यक्तित्व थे, और उनकी छवि क्षति को तो कभी पूरा नहीं किया जा सकता। शैल चतुर्वेदी इतने जगत के मान जाने माने गीतकार थे, एक अपना देश में और विश्व में एक नाम रखते थे, उनके एक चिमटे भाई थे। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि इतना बड़ा उनके पास हाथ होने के बावजूद वो सेल्फ डिपेंड रहते थे और खुद भी अपना जो उनने जगह बनाई खुद ही उनने आगे बढ़ के बनाई, क्या लगता है आप? मैं तो साहित्य जगत में बहुत जुड़ा हुआ हूँ,
बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ये जानते भी नहीं होंगे कि शैल जी के छोटे भाई थे। इन्होंने अपनी स्थिति अपने आप निर्मित की, अपने जो उनके अंदर गुण थे वो सारे गुण प्रखर किए और कभी भी किसी भी चीज़ में कोई समझौता नहीं किया। अपनी बात को, एक बात तय थी, किसी भी परिस्थिति के अंदर अगर किसी से कोई वादा किया है उस वादे को पूरा करने की हमेशा क्षमता रखते थे, चाहे वो किसी कार्यक्रम का हो, चाहे वो कोई कष्ट हो, उन अपने कष्ट को भूलकर उसके लिए उभर के आते थे। कभी भी किसी को दुखी देखने की इच्छा कभी नहीं रहती थी, उसको हमेशा प्रसन्न करने के लिए प्रयास करते थे और इसीलिए उन्होंने अपना हास्य का ये क्षेत्र अपनाया। जैसे कि आप उनके संग बहुत रहे हैं, हाँ। उनकी हर चीज को जानते हैं, ऐसी क्या विशेषता थी या ऐसी क्या यादें हैं जो आपको आज भी याद रखती हैं, जो अधूर नहीं हो पाती उनके? यादें क्या कहें, उनके गुण जो हैं जिनको चुके वो हर कार्य के अंदर पूर्णता दिखते थे, परफेक्शन। ऐसा कोई वाकया याद है आपको? वाकया मुझे क्या, हम लोग कमल सिंह के बाहर रहते थे, जिस मकान के अंदर वो किराए से आए, मैंने कहा भी भाई साहब ये किराए का मकान है, इसके अंदर आपने इतना पैसा लगा के इसको कराया? बोले नहीं, जीवन को हमेशा अच्छा जीना चाहिए और परफेक्शन के साथ जीना चाहिए, वो सब चीजें छूटना है। ये चाहे इसको ऐसे बना के रखें या ना रखें, मैं जब तक रहूंगा या इस मकान को उसी प्रकार से बना के रखूंगा जिस प्रकार से रहना चाहिए। तो हर चीज को बिल्कुल परफेक्शन पर देखना चाहते थे, चाहे वो रचना हो, मकान हो, स्वभाव हो, भोजन हो। कई बार कहते थे वो, चौबे हूं, ज्यादा नहीं खाता लेकिन अच्छा खाता हूं। क्या लगता है आपको उनकी कोई ऐसी रचना या गीत आज भी आपको याद आता है और लफ्जों पे निकलने को बेताब लगता है, ऐसा कोई याद है? देखिए इतने गीत हैं लेकिन इस समय मैं किसी गीत को गिनना नहीं, उनकी उनकी स्वयं की तुम्हारे अनुभूति जो थी शव यात्रा की, मैं शव यात्रा के ऊपर अगर मैं स्वयं शव होता अपनी शव यात्रा को कैसे महसूस करता, उन्होंने उसका वर्णन आज से 20 साल पहले ही कर दिया था। तो ऐसी बहुत सारी उनकी रचनाएं हैं जिनको आप देखोगे कई बार वो आपको ऐसा लगता है कि वो केवल हंसा रहे हैं, लेकिन अगर उसकी गूढ़ता के अंदर जाएंगे तो लोगों के पूरे चरित्र को लेकर, मानसिकताओं को लेकर उसको उजागर करते थे। एक व्यंग्यकार, एक हास्य गीत वाले कवि के अंदर जो खूबियां होती हैं कि जीवन की उस बारीकियों को अपनी पूरी हास्य के अंदर, आपकी पूरी कमियों को, चरित्र को साहित्य दर्पण के रूप में होता है, उस दर्पण के अंदर आपके प्रतिबिंब को प्रतिबिंबित करने की उनके अंदर क्षमता थी और उनकी ऐसी कविताओं के अंदर बहुत देखने को मिलता था। मैंने आपसे कहा ना कि तुम्हारे वो हमेशा देना चाहते थे, नौकरी भी शुरू की देना बैंक में की, वहां भी देना ही लिखा हुआ था। जब वहां पर उन्होंने देखा कि लोगों को अपनी सेवा नहीं दे पा रहा हूँ, उसके साथ ईमानदारी नहीं कर पा रहा हूँ, साहित्य के अंदर बहुत व्यस्त हो गया हूँ, तो उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया। बोले नहीं, जहां करूंगा कार्य ईमानदारी से करूंगा, साहित्य का सृजन करूंगा ईमानदारी से करूंगा, जिसके प्रति भी कोई कार्य करूंगा ईमानदारी से करूंगा। वो उनकी शैली थी, इसी में वो जीते थे।